हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार के इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग करेंगे, वो भी पिक्सआर्ट ऐप की मदद से। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, जिससे ऐसी फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना समय वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पिक्सआर्ट ऐप ओपन कर लेना है। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से आपको नीचे एक तरफ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना था, तो दोस्तों आपको एडिट ए फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है, जो दोस्तों आप इस वीडियो में जो भी बैकग्राउंड एंड PNG में यूज़ करूँगा वो सब दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर ले। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर नज़र आएगा। फिर दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है तो राइट साइड तो दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड फोटो का, सिंपली से उस पर क्लिक कर देना। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको जिस फोटो की एडिटिंग करनी है मॉडल सेलेक्ट कर लेना है तथा इसे कुछ इस प्रकार सेट करना है। इस प्रकार से सेट कर लेने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड सेकंड नंबर आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना था तो दोस्तों आपको थर्ड नंबर आइकन डुप्लीकेट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। इस प्रकार दोस्तों आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। सिंपली से आपको राइट साइड फ्लिप रोटेट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना था तो दोस्तों आपको इसको रोटेट कर लेना है। कुछ इस प्रकार कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसे इस प्रकार सेट कर लेना है नीचे की तरफ। इस प्रकार से सेट कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से लेफ्ट साइड कॉर्नर में राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से ऐड फोटो राइट साइड ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको एक PNG ले लेना है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तथा दोस्तों आपको PNG का PNG ऐड कर लेना है तथा दोस्तों आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्वप्रथम दोस्तों आपको ये वाला PNG आपको कुछ इस प्रकार से राइट साइड सेट कर लेना है इस प्रकार से। फिर दोस्तों आपको PNG वाला कुछ इस प्रकार से सेट करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपका पिक्सआर्ट ऐप में फ़ोटो एडिटिंग पूर्ण हो चुकी है। सिंपली से इसको सेव करने के लिए दोस्तों आपको राइट साइड स्क्रॉल करना था तो दोस्तों आपको ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा। ड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड 3 डॉट्स मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करना था तो दोस्तों आपको सेव इमेज कर लेना है। फिर दोस्तों इस फोटो को स्नैपसीड ऐप में खोल लेना है। ये इसकी लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस स्नैपसीड ऐप को डाउनलोड कर ले। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा स्नैपसीड ऐप में। सिंपली से आपको सेकंड नंबर ऑप्शन राइट साइड पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर देना तथा दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन ट्यून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्राइटनेस, इसे कुछ इस प्रकार इनक्रीज करना है 3। कंट्रास्ट को दोस्तों आपको इंक्रीज करके रख लेना दोस्तों 3 तथा दोस्तों आपको सैचुरेशन ऑप्शन मिल जाएगा, इसे इस प्रकार से 100 इंक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको राइट के ऑप्शन पर नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट साइड ऊपर की तरफ थर्ड नंबर आइकन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना था तो दोस्तों आपको अंडो के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार कर लेने के बाद दोस्तों आपको ट्यून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्रश का आइकन सेलेक्ट करना था तो दोस्तों आपको लेफ्ट साइड नीचे की तरफ सेकंड नंबर वाला आइकन पर क्लिक करना है तथा इसका कुछ इस प्रकार रेडनेस को फेस एंड हैंड से क्लीन कर लेना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक अवश्य करें। वह दोस्तों मैंने ऐसे ही इंडिपेंडेंस डे का फर्स्ट वीडियो बना रखा है, वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देखना ना भूलें। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंपली से ऐसा क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से राइट साइड पेंसिल सेकंड नंबर आइकन पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना था तो दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पोर्ट्रेट का। सिंपली से उस पर क्लिक करना था तो दोस्तों आपको समूथ टू सिलेक्ट करना तथा फेस स्पॉटलाइट को इस प्रकार इंक्रीज कर लेना है +40। तो दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्किन स्मूथिंग को सेम रहने देना तथा दोस्तों आपको आई क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेना है 20। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट साइड सेकंड नंबर आइकन वापस से पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना था तो दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्टिव, उस पर क्लिक कर देना है तथा दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से दोस्तों फेस को स्मूथ करने के लिए दोस्तों आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है तथा दोस्तों इसकी ब्राइटनेस को इनक्रीज करना है कुछ इस प्रकार 37। तथा दोस्तों आपको इसकी सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे डिक्रीज करना है 40। फिर दोस्तों आपको बॉडी के एवरी पार्ट पर दोस्तों आपको इस प्रकार से कर लेना है, ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है दोस्तों 37 तथा दोस्तों आपको सैचुरेशन को डिक्रीज कर लेना कुछ इस प्रकार से 17। इस प्रकार से दोस्तों आपको कर लेना है, ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है तथा दोस्तों आपको 37 तथा सैचुरेशन को डिक्रीज करना है 17। ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है 37 तथा दोस्तों आपको सैचुरेशन को डिक्रीज करना है 17। इस प्रकार दोस्तों आपको कर लेना है 37 ब्राइटनेस तथा दोस्तों आपको सैचुरेशन को डिक्रीज करना है 17। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हो दोस्तों आपका फोटो पहले से कितना ओसम सा लगना लगा है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना था तो दोस्तों आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन ट्यून इमेज के, उस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा सैचुरेशन, इसको इस प्रकार डिक्रीज करना है -7 तथा दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हाइलाइट्स, इसे इंक्रीज करना है 5। इस प्रकार कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो फोटो पहले से कितना ऑसम सा हो चुका है। सो दोस्तों आज की फोटो एडिटिंग में बस इतना ही। इसे HD क्वालिटी में सेव करने के लिए दोस्तों आपको
राइट साइड नीचे की तरफ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना था। तो दोस्तों आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार दोस्तों आप इस फोटो को HD क्वालिटी में सेव कर लेना है। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। जल्द मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।